एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली और आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूं एक अमेजिंग चीज की, जिसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा और इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने में मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले है इससे। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ नेचर श्योर का जोक ऑयल, यानी कि लीच ऑयल। एक्चुअली ये है एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ये हेयर फॉल को रिड्यूस करने में आपको मदद करेगा और हेयर रिग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि स्कैल्प पे जो भी डैंड्रफ और इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल के जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन करते, यानी कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करते। समर में जो कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है तो इन्फेक्शन को भी दूर करते हैं, क्योंकि समर में स्कैल्प बहुत ज़्यादा स्वेट होते हैं और वही स्वेट अगर एवरी डे अगर हम हेयर वॉश करके उसे निकल नहीं सकते तो वही हमारे स्कैल्प पे इन्फेक्शन पैदा करते हैं और उस इन्फेक्शन को दूर करते हैं ये लीच ऑयल, एंड स्कैल्प को नरिश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस ऑयल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लीच। लीच तो आप सबको पता होगा कि जोक, हम बंगाली में से जोक कहते हैं, तो उससे निकाले गए ये ऑयल को आप ऑल इन वन बोल सकते हैं। तो ये जो ऑयल है ये डर्मेटोलॉजिकली एंड क्लिनिकली टेस्टेड है, तो इसके ऊपर आप फुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ये हेयर रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन करते हैं, यहाँ तक के जो बॉल्डनेस है यानी कि नेस हेरिडिटीज के कारण होता है, तो इसके बारे में मैं आपको 100% तो कुछ नहीं बोल सकती। पर अगर आपको लगता है कि आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, कि इन फ्यूचर आपको बॉल्डनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो से आप इस ऑयल को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा अगर अभी से आप इसे स्टार्ट करते हैं। ये कोई खुशबूदार तेल नहीं है, इसे यूज करने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते और इसमें से कोई भी फ्रूट्स प्रेग्नेंस या तो फ्लावर्स प्रेग्नेंस कुछ भी नहीं आएगा। ये कम्प्लीटली इसमें एक मेडिकेटेड स्मेल है, हाँ स्मेल बोलना ही सही रहेगा, एक मेडिकेटेड आयुर्वेदिक जैसे स्मेल होता है। इसे यूज करने के बाद प्लीज बाहर मत जाइएगा, इसे आप अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज करें तो उसी हिसाब से करना, एक एज अ मेडिसिन इसे यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि रात में इसे यूज करना पड़ेगा बिफोर बेड, इसे आप पूरे स्कैल्प पे यूज कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद 15 मिनट्स, जी हाँ थोड़ा सा शायद आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर फिंगर टिप से 15 मिनट्स तक इसे मसाज करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से सॉफ्टली इसे स्कैल्प के अंदर इसे आपको डालना होगा, जब तक कि ना ये अच्छे से स्कैल्प के अंदर चला जाए तब तक इसका जो फ़ायदा है वो आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगा। स्कैल्प पे यूज़ करने के बाद आप पूरी रात भर इसके साथ रहिए। नेक्स्ट डे लुकम वाटर से इसे क्लीन करना पड़ेगा, प्लेन पानी से नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी से इसे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। जी हाँ, आप अगर घर में रहते हैं तो आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप जॉब करते हैं या नेक्स्ट डे अगर कहीं पे अगर आपको जाना पड़े तो आप हेयर वॉश कर सकते हैं, पर लुकम वाटर यूज़ कर लीजिए क्योंकि इसका जो स्मेल है वो भी चला जाएगा, और ये जबकि एक मेडिसिन है तो इसके साथ आपको सनलाइट में ना जाना ही बेहतर रहेगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो हेयर वॉश के लिए लुकम वाटर यूज़ कीजिएगा। अगर आपको भी इस तरह के कोई प्रॉब्लम है तो एक फाइल आप यूज़ करके देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 110 ml मिल रहा है आपको। ₹239 में वैसे 500-600 का भी ऐसे आयुर्वेदिक ऑयल्स मिलते हैं, पर ये इसका जो प्राइस है ये मुझे लगता है रिजनेबल, अगर ना भी हो तभी इसका प्राइस एवरेज है। जिस इंग्रेडिएंट से ये बनाया गया है वो बहुत ही कम मिलता है और बहुत ही, मतलब ये कोई फूल या फल से नहीं बनाया गया जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो उस हिसाब से इसका जो प्राइस है ये काफ़ी रिजनेबल है। इस ऑयल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विथ मेरे जो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगी इसका लिंक, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपके साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।